आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा जो डे है आज, हमारा डे कौन सा है, जो क्यूबिट चैलेंज चल रहा है आज, उसका हमारा डे 12 है। और थोड़ी सी किसी वजह से क्लासें हैं जो लेट आई है ये, लेकिन आगे की जो है वो हमारी नियमित रूप से चलती रहेगी। ठीक है, तो डे 12 के अंदर हमारा टॉपिक क्या है आज, डे 12 के अंदर हमारा टॉपिक है धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय और राजस्थान के लोक देवी और देवता। ठीक है, क्या क्या है हमारे, एक तो धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी और राजस्थान के देवता, लोक देवता जो है हमारे वो। पहला प्रश्न क्या है कि सिंभुंदड़ा वो कोंडा निम्न में से क्या है, दो चीजें पूछी है, सिंभुंदड़ा और कोंडा है जो क्या है। राजस्थान के लोकगीत, विष्णु संप्रदाय से संबंधित स्थल, संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ या परनामी से संबंधित ग्रंथ। हमारा सही है संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ। अब जसनाथ जी कौन थे, इनका केंद्र कहाँ के थे, मुख्य केंद्र कौन था, क्या था जसनाथ जी, इनका मुख्य केंद्र था वो था अपना कतरिया सर, क्या था कतरिया सर। कतरिया सर कहाँ पर है अपना, कतरिया सर अपना बीकानेर के अंदर, कतरिया सर कहाँ है अपना बीकानेर के अंदर। ठीक है, और भी जगह है वो आपको याद रखनी है, एक है अपना बमलू, एक है लिखमादेसर, एक है पूना सर, एक है माला सर, एक इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना, एक है इनकी पांचला सिद्धा, ये कहां पर है नागौर के अंदर है, और इसको जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनका ये मथुरा है, जसनातियों का क्या है ये मथुरा, कौन पांचला सिद्धा कहां पर है नागौर के अंदर। मुख्य केंद्र कौन सा जसनाथ जी का, कतरिया सर बीकानेर है, बमलू है, लिखमादेसर है, पूना सर है, माला सर है, और क्या हमारा पांचला सिद्धा है जो नागौर के अंदर है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके लिए क्या है मथुरा के समान है, उनको जसनातियों का मथुरा कहा जाता है। ठीक है, जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे, कितने उपदेश दिए थे, 36 उपदेश दिए थे। ठीक है, और इनके जो मेले हैं जसनाथ जी के, साल के अंदर 3 बार मेले इनके लगते हैं, आपके अश्विन चैत्र से शुरू कर देते हैं, चैत्र, अश्विन और माघ, शुक्ल सप्तमी, ये सेम है अश्विन शुक्ल सप्तमी। ठीक है, और माघ शुक्ल सप्तमी और अपने चैत्र शुक्ल सप्तमी, इन तीनों तीन जो महीने हैं इनकी शुक्ल सप्तमी को हमारे जो है जसना जी की क्या लगते हैं मेले लगते हैं। सिकंदर लोदी जो थे इनके समकालीन थे, सिकंदर लोदी जब दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे वो जसना जी के समकालीन थे। ठीक है, और उन्होंने कतरिया सर के पास इनको क्या दी थी, भूमि दान में दी थी, कतरिया सर के पास क्या दी थी भूमि दान में दी थी, किसने दी थी सिकंदर, सिकंदर लोदी। ठीक है, सन 1500 के अंदर, 1500 ईस्वी के अंदर एक जगह है गोरखमाड़िया, कौन सी है जगह गोरखमाड़िया, गोरखमाड़िया पर इन्होंने जाम्बू जी से मुलाकात की थी, विष्णु संप्रदाय के हमारे संस्थापक है। ठीक है, और उन्होंने 1500 ईस्वी के अंदर एक जगह है गोरखमाड़िया, और गोरखमाड़िया के अंदर इन्होंने किससे मुलाकात की थी, हमारे जाम्बू जी से मुलाकात की थी। ठीक है, किसने की थी, जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक लिखा था सिंभुदड़ा, एक लिखा था कोंडा, कौन कौन से लिखा था, एक लिखा था अभी जो हमारा प्रश्न था भाई, और एक लिखा था। ठीक है, इनके जो जसनाथ जी के शिष्य थे एक का नाम था लालनाथ जी, एक का नाम था रामदास जी, रामनाथ जी। लालनाथ जी ने किताब लिखी थी उसका नाम था जीव समझोतरी, किताब का नाम क्या था जीव समझोतरी, और रामनाथ जी ने लिखी थी यशो पुराण,
और जो ये किताब है इसको जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके लिए बाइबल है। जसनातियों के लिए बाइबल कौन सी है? यशो पुराण। ठीक है, लालनाथ जी ने कौन सी लिखी थी? जीव समुद्री। और अपने जसनाथ जी ने खुद ने कौन सी लिखी थी? सिंभुदुलाव कोंडा। एक इनके और शिष्य थे रुस्तम जी, उनको औरंगजेब ने झंडा और नगर दिया था। झंडा और नगर क्या दिया था? और नगर। क्या पढ़ा हमने जसनाथ जी के बारे में अभी तक? जसनाथ जी का जो मुख्य केंद्र है वो है हमारा कतरिया सर बीकानेर। और कौन कौन सी जगह हैं जो जसनाथ जी से संबंधित है हमारे? बमलू है, लिखमा देसर है, पूना सर है, माला सर है, एक है पांचला सिद्धा, वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर है, और उसको जसनातियों का मथुरा कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि कतरिया सर के पास सिकंदर लोधी ने इनको भूमि जो थी वो दान के अंदर दी थी। 1500 ईस्वी के अंदर गोरखमाड़ी जगह पर इन्होंने जाम्बू जी से मुलाकात की थी। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। ठीक है, इन्होंने खुद ने 2 ग्रंथ लिखे थे, सिंभुदुला और कोंडा। इनके 2 शिष्य थे लालनाथ जी और रामनाथ जी। लालनाथ जी ने किताब लिखी थी जीव समझोत्री, और रामनाथ जी ने लिखी थी यशो पुराण। और जिसको अपने जसनातियों का क्या कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके लिए ये बाइबल के समान है। ठीक है, इनकी जो पत्नी है कालल दे, इनकी भी पूजा होती। किसकी होती है? कालल दे जो इनकी पत्नी है इनकी भी पूजा होती। इनके जो अनुयायी है उनके लिए एक तो मोर का पंख, क्या क्या? एक तो मोर का पंख और एक जाल का वृक्ष, ये दोनों शुभ है। क्या मानते हैं इनको? ये इनको ये शुभ मानते हैं। और इनके जो अनुयायी है गले के अंदर काली ऊन का धागा भी बांधते हैं। काली ऊन का क्या है? धागा भी पहनते हैं। अच्छा, इनके जो अनुयायी है वो एक नृत्य भी करते हैं। कौन सा करते हैं? अग्नि नृत्य। ठीक है, तो इनके जो अनुयायी है वो मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। इनके अनुयायी काली ऊन का जो धागा है वो गले के अंदर पहनते हैं, और जो इनके अनुयायी है वो काली अग्नि नृत्य भी करते हैं। खीरों के ऊपर अग्नि नृत्य किया जाता है, और अग्नि नृत्य करते करते वो क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह। ठीक है, और जो इनके दो शिष्य थे लालनाथ जी और रामनाथ जी ने, लालनाथ जी ने लिखी थी जीव संजोत्री, और रामनाथ जी ने लिखी थी यशो पुराण दान। ठीक है, ये हमारे जसनाथ जी संबंधित फैक्ट थे। तो उससे हमारे जो सिंभुदुला और कोंडा था वो क्या था? जसनाती संप्रदाय के हमारे क्या थे? ग्रंथ थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से प्रणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में है? ठीक है, हमारा प्रणामी जो संप्रदाय है पहले तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इनका जो उपदेश है वो किस ग्रंथ के अंदर है? ऑप्शन क्या? हमारे शब्द वाणी, कोड़ो वाणी, या फिर कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप, इसके अंदर जो हमारे प्रणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो इससे संबंधित है। ठीक है, देखो प्रणामी संप्रदाय के बारे में आपको बताता हूं मैं। एक प्रणामी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो अपना है पन्ना। पन्ना कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा, अपने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर भी इनका एक केंद्र है, वो कौन सा है? जयपुर के अंदर जो अपना इनका केंद्र है वो है आदर्श नगर। कौन सा है? आदर्श नगर। अच्छा, इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे प्राणनाथ जी। कौन थे संस्थापक? कौन थे प्रणामी संप्रदाय के? प्राणनाथ जी थे। एक पन्ना जो मध्य प्रदेश है मुख्य केंद्र है, एक इनका जो केंद्र है वो अपने जयपुर के आदर्श नगर के अंदर। अच्छा, ये किसकी पूजा करते हैं? ये भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रणामी संप्रदाय का जो और इनका जो ग्रंथ है वो अपना कौन सा है? कुजलम स्वरूप ग्रंथ है वो कौन सा है? कुजलम स्वरूप। प्रणामी संप्रदाय मुख्य जो केंद्र है पन्ना एमपी के अंदर, जयपुर के आदर्श नगर के अंदर भी एक इनका स्थान है। संस्थापक कौन थे? प्राणनाथ जी। और जो किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। ठीक है, और इनका जो एक ग्रंथ है जिसके अंदर इनके उपदेश मिलते हैं वो इनका ग्रंथ कौन था? कुजलम स्वरूप। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? ठीक है, कौन से संत है? संत मावजी, और जो इनकी पीठ है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या है? गलियाकोट डूंगरपुर, नहीं यहाँ नहीं है। रास्तापाल डूंगरपुर, नहीं यहाँ भी नहीं है। ठीक है, गैप सागर डूंगरपुर, नहीं यहाँ भी नहीं है। साबला ग्राम डूंगरपुर, बिल्कुल साबला गांव डूंगरपुर है। ठीक है, संत मावजी का जो हमारी पीठ है वो कहाँ पर है? साबला गांव है, डूंगरपुर अंदर है, वहां पर है। ठीक है, और संत मावजी के बारे में हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं हम संत मावजी के बारे में?
पीठ कहां पर है इनकी? साबला डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी संत मावजी ने, उस किताब का नाम क्या था? चौपड़ा। किताब का नाम क्या था? चौपड़ा था, ठीक है। और जो ये किताब है ये वाद और विवाद शैली में लिखी हुई है। किस शैली में लिखी हुई है? वाद विवाद शैली के अंदर, ठीक है। और जो इस किताब के है, वैसे इस किताब के खुद के पांच भाग है। कितने भाग है? पांच भाग है। इसके अंदर भविष्यवाणियां की हुई है। क्या की हुई है? भविष्यवाणी की हुई है। किसकी की हुई है? तीसरे विश्व युद्ध की भी की हुई, तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की हुई है। अच्छा, कब पढ़ा जाता है इस चोपड़ा को? दीपावली के समय पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है? दीपावली के समय पढ़ा जाता है। और जो संत मावजी के जो शिष्य है वो इनको विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। हमारे भगवान विष्णु के बारे में बोला जाता है कि उनका जो कलयुग के अंदर जो अवतार होगा वो किसके रूप में होगा? वो कल्कि के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? कल्कि के रूप में होगा। तो इनके अनुयायियों ने क्या बोल दिया कि जो कल्कि का अवतार होने वाला था वो कौन सा अवतार है? वो यही है, ठीक है। संत मावजी का जो इनके अनुयायी है वो इनको भगवान विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल्कि अवतार मानते हैं, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी, चौपड़ा किताब लिखी थी, वाद विवाद शैली के अंदर है, इनके अंदर भविष्यवाणियां की हुई है, तीसरे विश्व युद्ध की इनके इसके अंदर से जानकारी मिलती है हमें, और इस किताब को दीपावली के समय पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो इनका अपना पीठ है, मुख्य पीठ है, वो कहाँ? अपनी साबला डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या? अपना निम्न में से धौलीधूप जो ग्राम गांव है किस संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। कौन सा पूछा है? धौलीधूप। हमारा ऑप्शन है निरंजनी, दादूपंथी, अलखिया या लालदासी। लालदासी, ठीक है। हमारा जो धौलीधूप ग्राम है वो किससे संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से, ठीक है। किस संप्रदाय से धौलीधूप संबंधित है? लालदासी। लालदास जी, ठीक है। तो लालदास जी है, एक तो धौलीधूप है कहां पर? धौलीधूप बलवर के अंदर। धौलीधूप कहां पर है? अलवर के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? चांदमल। अच्छा, माता का नाम क्या था? समदा, ठीक है। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। क्या थे? मेव जाति के क्या ये लकड़ा रहे। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा के अंदर दिए? मेवाती भाषा के अंदर दिए। कौन सी भाषा के अंदर दिए? मेवाती भाषा के अंदर दिए, ठीक है। और जो इनका छत्री है वो अपने कहाँ है? शेरगढ़ के अंदर, ठीक है। और जो इनका जो अपना प्रमुख केंद्र है वो है नगला छह बयाना के अंदर ये। अच्छा, नगला छैल हमने और कहाँ पर पढ़ा था? गुप्तकालीन सिक्के मिले थे, हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था हमें गुप्तकालीन जो सिक्के मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? नगला छैल से। तो जो इनका मुख्य केंद्र है वो अपना नगला छैल है, शेरगढ़ के अंदर इनकी है जो अपनी छतरी है। अच्छा, इनके एक बेटे थे, बेटे का नाम था कुतुब खान। बेटे का नाम क्या था? कुतुब खान, ठीक है। और जो इनकी छतरी है वो अपने कहाँ है? बांदूली के अंदर। कहाँ पर है? बांदोली के अंदर। अच्छा, लालदास जी के बारे में हमने पढ़ा, जन्म कहाँ पर हुआ था? धौलीधूप के अंदर। पिताजी का नाम चांदवल, माता का नाम था क्या? समदा, ठीक है। इनके गुरु थे चांद, जो लालदास जी के गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु का नाम था बुद्धन शिष्य। गुरु का नाम क्या था इनके? बुद्धन शिष्य, ठीक है। और इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे, मेव जाति के ये क्या थे? लकड़हारे थे, ठीक है। और शेरगढ़ के अंदर क्या इनकी छतरी है, और नगला छेल इनका क्या अपना प्रमुख के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सीथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के चार प्रमुख केंद्र है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक तो रैण है, एक शाहपुरा है, एक सीथल है, एक खेड़ापा, और किस संप्रदाय के जो है ये चार प्रमुख केंद्र है, ठीक है। जो हमारे ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या? हमारे तेरापंथी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय के ये हमारे हैं प्रमुख केंद्र है। हम राम सनेही संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं कि राम सनेही संप्रदाय है जो इनके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है, जो ये हमने रैण पढ़ा है ये कहाँ पर है, ठीक है। राम सनेही जो हमारे संप्रदाय है इसके चार मुख्य केंद्र है, ठीक है। वैसे चार केंद्र ही है, एक तो है अपना शाहपुरा,
ठीक है, शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अपने कौन से थे, कौन संत थे यहाँ पर, मठाधीश कौन थे यहाँ पर? यहाँ थे अपने रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। अच्छा, रामचरण जी की किताब लिखी हुई, और किताब का नाम क्या है? अणभैवाणी। किताब का नाम क्या है? अणभैवाणी। रामचरण संप्रदाय के हमारे जो चार केंद्र है उसमें से एक केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। और शाहपुरा भीलवाड़ा के जो हमारे वहाँ के संत है वो कौन है? रामचरण जी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो किताब कौन सी है? अणभैवाणी, ठीक है। एक अपना है रैण। रैण कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। रैण कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। यहाँ पर हमारे संत कौन है? यहाँ है दरियाब जी। यहाँ जरूर आपको जाना चाहिए, दर्शन करके आना चाहिए, ठीक है। रैण नागौर हमारे कहाँ है? नागौर के अंदर है, और वहाँ पर हमारे संत कौन है? दरियाव जी। एक अपना है सीथल। अच्छा, सीथल कहाँ पर है? सीथल बीकानेर के अंदर है, और यहाँ पर हमारे कौन है? हरिदास जी। हरिदास जी ने भी ये किताब लिखी, हरिदास जी ने भी किताब लिखी, और उस किताब का क्या नाम क्या है? निशानी। क्या नाम है? निशानी। और ये योग से संबंधित किताब है, ठीक है, योग विद्या से संबंधित ये किताब है, मेडिटेशन से संबंधित है, ठीक है। और अपना जो अंतिम है वो बच गया खेड़ापा, और खेड़ापा कहाँ पर है? खेड़ापा अपना जोधपुर के अंदर है, और यहाँ पर जो हमारे संत है वो कौन है? रामदास जी। कौन है? रामदास जी। अच्छा, इनके जो अनुयायी है भगवान राम सनी संप्रदाय के जो अनुयायी है ये निर्गुण रूप में भगवान की पूजा करते हैं। किस रूप में करते हैं? सगुण रूप में नहीं करते, निर्गुण रूप के अंदर पूजा करते हैं, ठीक है। और अब नाम के आगे क्या लग रहा है? राम सनई, तो मतलब भगवान राम की पूजा करते हैं, और निर्गुण रूप में पूजा करते हैं, मतलब भगवान राम की जो है ये किस रूप में पूजा करते हैं? निर्गुण रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। इनके जो अनुयायी है वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो शाहपुरा भीलवाड़ा जो ये हमारा केंद्र है, दीपावली के होली के बाद यहाँ पर फूल डोल मेले का आयोजन होता है। कौन से मेले का आयोजन होता है? फूल डोल मेले का आयोजन। अच्छा, अभी अपन मावजी पढ़ गए थे, संत मावजी को हमने जब पढ़ा था, यहाँ पर एक चीज रह गई थी, वहां पर इन्होंने भी एक संप्रदाय चलाया था। ये भगवान कृष्ण की जो पूजा है ये निष्कलंक रूप में करते थे, ठीक है। ये भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो किस रूप में करते थे? निष्कलंक रूप में करते थे। इसलिए इनका जो संप्रदाय है वो क्या कहलाया? निष्कलंक, ठीक है। संत मावजी है जो भगवान कृष्ण की जो पूजा है किस रूप में करा करते थे? निष्कलंक रूप में करा करते थे। और जो इनका संप्रदाय है वो अपना क्या कहलाया? निष्कलंक की संप्रदाय, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। और बाकी जो हम अभी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपना राम सनई, ठीक है। तो निर्गुण रूप में भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, ठीक है। और फूल डोल मेले का जो आयोजन कहाँ पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। राम सनई संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। और जो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो हमारे संत हैं वो कौन है? रामचरण जी। उन्होंने किताब लिखी थी, वो किताब थी अणभैवाणी। एक अपना रैण भी है अपना इनका केंद्र, वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर। और वहाँ के संत है अपने दरियाव जी। एक सिंथल का छत्र भी है, सिंथल हमारे बीकानेर के अंदर है। वहाँ के जो अपने संत है वो हरिदास जी, उन्होंने किताब लिखी थी निशानी, ठीक है। और एक और जो हमारा केंद्र है वो है खेड़ापा जोधपुर, और वहाँ के जो हमारे संत है वो है रामचरण जी, ठीक है, रामदास जी। रामचरण जी है शाहपुरा से, याद रखना चरण जी। तो रामचरण जी हमारे शाहपुरा के, और जो रामदास जी है वो हमारे खेड़ापा जोधपुर के। इनके जो संत है गुलाबी रंग के कपड़े भी पहनते हैं। अगला प्रश्न क्या आपने? बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधुदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? ठीक है, संतों के नाम दिए हुए, मतलब ये किसी के अनुयायी रहे हुए हैं या फिर किसी के शिष्य रहे हुए। नाम क्या पूछा है? बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, माधुदास जी नामक संतों का संबंध है, तो निम्न में से किस संप्रदाय से रहे हुए? ठीक है, हमारे ऑप्शन है राम सनई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय। दादू पंथ, ये सारे के सारे भगवान अपने संत दादू दयाल जी के शिष्य। किसके शिष्य है ये सारे के सारे? संत दादू दयाल जी के शिष्य, ठीक है। ये सारे के सारे किसके शिष्य अपने? दादू दयाल जी के शिष्य। अच्छा, दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर। जन्म कहां पर हुआ था? अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। इनका जो पालन पोषण है एक लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था।
लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका क्या किया था? पालन पोषण। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद जी। गुरु का नाम क्या था? वृद्धानंद। ठीक है, और जो इन्होंने निर्गुण भक्ति के उपदेश दिए, संदेश दिए थे, कौन सी भक्ति के दिए थे? निर्गुण भक्ति के दिए थे। और निर्गुण भक्ति के इन्होंने संदेश दिए, इसलिए ये हमारे क्या कहलाए? राजस्थान के कबीर। इसलिए अपने दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने संदेश है वो निर्गुण भक्ति में दिए थे, या फिर जो ये फॉलो करा करते थे ये निर्गुण भक्ति को करते थे, सगुण को नहीं करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी 1585 के अंदर। ठीक है, और साथ में कौन थे? जयपुर के राजा भगवंत दास जी। जयपुर के राजा भगवंत दास जी के साथ इन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर किससे मुलाकात की थी? अपने जो बादशाह अकबर थे उस समय, मुगल बादशाह थे अकबर, उनसे फतेहपुर सीकरी के अंदर भगवंत दास के साथ इन्होंने क्या की थी? इनसे मुलाकात की थी। ठीक है, इन्होंने इनके जो इनका जो संप्रदाय है, इनका संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसके अंदर शव को ना तो जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसको किसी पहाड़ी के ऊपर या फिर किसी भी समतल जगह के ऊपर खुला छोड़ दिया जाए, ना तो उसको जलाया जाएगा ना उसको दफनाया जाएगा। अपने जो संत दादू दयाल जी का जो खुद का शव था वो भैराना की पहाड़ी के ऊपर रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? भैराना की पहाड़ी। ठीक है, और वो जगह है वो क्या कहलाता अपना? दादू खोल या फिर दादू पालका। दादू दयाल जी की जो शव था वो कहाँ रखा गया था? भैराना की पहाड़ी के ऊपर। और वो जो जगह है वो आज क्या कहलाती है? दादू खोल या फिर दादू पालका। इनका जो सत्संग का स्थान हुआ करता था वो कहलाता था अलख दरीबा। क्या कहलाता था? अलख दरीबा। ठीक है, मंदिर के अंदर इनकी वाणी की पूजा होती है। क्या होती है? इनकी वाणी पुस्तक है, इसकी पूजा होती है मंदिर के अंदर। ठीक है, इनके 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, इसलिए वो क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ। वो क्या कहलाते थे? 52 शिष्य क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ। और जो इनमें से मुख्य जो उनके शिष्य थे उनको अपन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा बहुत है ना, ब्रीफ के अंदर पढ़ लेते हैं। पहले थे अपने संत रजब जी, कौन थे पहले? संत रजब जी। सो संत रजब जी थे, ये सांगानेर के पठान थे। कहाँ के पठान थे ये? सांगानेर के पठान थे। सांगानेर के क्या थे? पठान थे। शादी करने जा रहे थे और दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर ये ता उम्र है पूरी जिंदगी भर जो दुल्हे के भेष के अंदर रहे थे। और ये इतने अच्छे कवि हुए थे, बहुत शानदार कवि हुए थे। अगर इनकी रजब जी के दोहे पढ़ लिए जाए तो मुझे लग रहा है कि किसी जीवन के कल्याण हो जाए, जीवन का ही उद्धार हो जाए। रजब जी ने जो दादू दयाल जी के शिष्य थे उन्होंने बहुत बेहतरीन दोहे लिखे। ठीक है, किसी इंसान के जीवन के ऊपर, दर्शन के ऊपर, व्यवहारिकताएँ क्या होती है, ठीक है, इंसान को जीना कैसे चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो उनका दर्शन था रजब जी का खुद का, वो उनके दोहों के अंदर झलक रहा है। उनका एक दोहा है रजब जी का, वो उन्होंने लिखा था कि रजब रज ऊंची चढ़ी नरमाई के पाण। रजब जी कह रहे हैं कि रज यानी रेत, वो ऊंची चढ़ गई, उन्होंने उस रेत ने बुलंदियों को छू लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नरमाई थी, वो कठोर नहीं थी, पत्थर नहीं थी। ठीक है, तो रजब रज ऊंची चढ़ी नरमाई के पाण, रोड़ा उबा रह गया करड़ाई के पाण। रोड़ा यानी एक तो पत्थर होता है जिसका उपयोग भवन निर्माण के अंदर हम ले लेते हैं। रोड़ा है जो सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं और वो इसी घमंड के अंदर पड़े रहते हैं, इसी ईगो के अंदर पड़े रहते हैं कि नहीं हम ही हैं सब कुछ, लेकिन वो सड़क के ऊपर ही पड़े रहते हैं उस कठोरता की वजह से, और वो हमेशा करड़ाई के पाण वहीं पड़े रहेंगे। और जो रेत है वो अपनी नरमाई की वजह से कहाँ पहुँच गई? आकाश की बुलंदियों के अंदर। तो इतने अद्भुत संत हुए। इन्होंने दो किताबें भी लिखी थी हमारे रजब जी ने, कौन कौन सी? एक तो लिखी थी रजब वाणी, एक लिखी थी सर्वांगी। ठीक है, दादू दयाल जी की जो अपने दादू शाखा है, दादू पंथ है, इसके पांच जो है आगे
भाग हुए थे, 5 शाखाएं इनकी हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक तो खालसा, एक विरक्त, एक खाकी, एक उत्तरादे, एक अपनी नागा। एक शाखा थी अपने उत्तरादे, कौन सी थी इनकी? नागा। हम एक पढ़ेंगे अभी जो अपने संत दादूदयाल जी के शिष्य थे जिनका नाम था सुंदरदास जी। सुंदरदास जी बड़े थे, मतलब सुंदरदास जी दो थे, एक अपन सुंदरदास जी बड़े के नाम से जानते हैं, एक सुंदरदास जी छोटे के नाम से जानते हैं। तो एक शिष्य थे, उनका नाम क्या था? सुंदरदास जी, ठीक है। और ये सुंदरदास जी कौन से? हमारे बड़े वाले। इनका वास्तविक नाम था भीमराज। बीकानेर के कल्याणमल के भाई, बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। कल्याणमल के क्या थे? भाई थे। कल्याणमल वही है जिनके बेटे हम पढ़ते हैं राय सिंह, और बीकानेर के राजा बनते हैं, ठीक है। और उनके भाई होते हैं पृथ्वीराज राठौड़, जिनको डिंगल का हॉरेस कहा जाता है। उन्होंने किताब लिखी थी वैली किशन रुक्मणी थी, ठीक है, जिसको एल पी टेसिटोरी ने क्या कहा था, उसका प्रथम संपादन किया था, ठीक है। और उसको अपने दूर से अड्डा ने बोला था 5वां वेद और 19वां पुराण, ठीक है। तो ये भीमराज जो कौन है? बीकानेर के शासक कल्याणमल के क्या थे? भाई थे। इनकी एक उपाधि भी है, ठीक है, किसकी? भीमराज जी की एक उपाधि भी है, गई भोमरो भाड़ू। गई भोमरो भाड़ू किसकी उपाधि है? भीमराज जी की। इन्होंने नागा शाखा जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी, भीमराज जी। किसकी स्थापना की थी? नागा शाखा की। दादू पंथ के अंदर एक शाखा है नागा शाखा, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? भीमराज जी ने की। ये जो नागा शाखा के जो साधु हुआ करते थे अपने पास हथियार रखा करते, ठीक है। स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जयसिंह के समय जब मराठों के आक्रमण उन्होंने जयपुर के ऊपर शुरू हुए थे, स्वाई जयसिंह ने इनको सेना के अंदर शामिल कर लिया था। प्रताप सिंह के समय भी जयपुर की सेना के अंदर जो अपने नागा बाबा थे या नागा साधु थे वो जयपुर की सेना के अंदर शामिल। अगर हम विश्व लेवल पर बात करें, विश्व स्तर के ऊपर बात करें, तो दुनिया के जो बड़े बड़े योद्धा हैं या फिर किसी इलाके के जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, आप स्पार्टा के क्षेत्र जाइए तो स्पार्टा के जो बड़े योद्धा हैं उनको स्पार्टियंस कहा जाता है, ठीक है। वहाँ के वो बहुत बड़े योद्धा है, युद्ध कला के अंदर बहुत पारंगत है। आप जापान में जाइए तो जापान के जो योद्धा है वो कौन है? सुमेरियंस। जापान के योद्धाओं को क्या कहा जाता है? सुमेरियंस। वैसे ही जो हमारे भारत के योद्धा है वो है नागाज। भारत के हमारे जैसे उनके सुमेरियंस है, स्पार्टा के स्पार्टियंस है, वैसे हमारे भारत के वो योद्धा कौन है? वो है हमारा नागाज, ठीक है। नागाज जो साधु है वो हमारे भारत के बहुत बड़े योद्धा है, ठीक है। ये अपने पास में क्या रखते हैं? हथियार। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है घाटड़ा दोसा। कौन सा है इनका मुख्य केंद्र? घाटड़ा दोसा। एक सुंदरदास जी छोटे थे, उन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान हुए थे वो, उन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। और उनका जो स्थान था वो था गेटोला दोसा। उनका कौन सा था? गेटोला दोसा। इनके एक और शिष्य हुए थे बालिन जी। बालिन जी ने किताब लिखी थी आरिलो, याद रखना आपको। दादूदयाल जी के एक शिष्य हुए थे, इनका नाम था बालिन जी, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? आरिलो। और भी हुए थे, माधुदास जी, मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, मुकुंददास जी। जो गरीबदास जी थे वो दादूदयाल जी के बाद क्या थे? उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। तो ये हमने बड़ा बड़ा जितना भी था दादू शाखा के बारे में पढ़ लिया, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, सीधे चलते हैं उसके ऊपर। निम्न में से संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, बड़ा सामान्य से प्रश्न है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, संत जो भूरीबाई अलग थी हमारा, उनका जो कार्य क्षेत्र था वो मेवाड़ था, ठीक है। संत भूरीबाई का अपना कार्य क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़। किसका? संत भूरीबाई मेवाड़ अलग का जो कार्य क्षेत्र वो अपना कौन सा? मेवाड़। अगला प्रश्न, निम्न में से वाणी और जो सर्वांगी है नामक दो प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की? अच्छा, वाणी है ऋषभ वाणी है। वाणी तो खुद हम पढ़ते हैं अपने दादूदयाल जी की, खुद की वाणी की पूजा की जाती है। तो ऋषभ वाणी और जो सर्वांगी पुस्तक है वो किसकी? हम अभी पढ़ गए हैं, ऑप्शन है हमारे सुंदरदास जी, गरीबदास जी, माधव जी या ऋषभ जी। संत ऋषभ जी थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी हमारे? ऋषभ वाणी और सर्वांगी। कहाँ के थे? सांगानेर के क्या थे? पठान थे। दादूदयाल जी के उपदेश सुनने के बाद ता उम्र है जो दूल्हे के भेष के अंदर रहे थे। अगला प्रश्न, राजस्थान का फूल डोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? फूल डोल के बारे में भी हमने बात की थी अभी जस्ट, और प्रश्न के ऑप्शन क्या हमारे? वल्लभ संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, सतनामी या फिर राम सनई। राम सनई संप्रदाय हमने पढ़ा था, राम सनई संप्रदाय की चार अपने शाखाएं पढ़ी थी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, रैण, नागौर, सिंथल, बीकानेर, और जो खेड़ा पाए वो जोधपुर है। अपने जो शाहपुरा भीलवाड़ा वहाँ के संत कौन थे? रामचरण जी। उन्होंने किताब लिखी थी वो कौन सी थी? अनभेवाणी। अपने दूसरे जो रैण नागौर के अंदर है वहाँ के हमारे संत कौन है? दरियाव जी। तीसरा हमारा सिंथल था,
वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, और वहां के हमारे संत कौन है? हरिदास जी। अच्छा, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, वो कौन सी थी? निशानी, योग ग्रंथ था, योग विद्या से संबंधित थी। चौथा हमारा था खेड़ापा, खेड़ापा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, जोधपुर के खेड़ापा के जो हमारे संत है वो कौन थे? रामदास। ठीक है, और यहाँ के ये इनके जो अनुयायी थे गुलाबी रंग के कपड़े पहना करते थे, ये भी आपको याद रखना। और शाहपुरा भीलवाड़े के अंदर होली के बाद 40 दिन तक फूल डोल जो मिला है वो चला करता है इनका, जो किस संप्रदाय द्वारा लगाया जाता है? राम सनी संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का 13 पंथी जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? कौन सा संप्रदाय पूछा? याद रखना, आपको कई एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है 13 पंथी संप्रदाय किसका है? राजस्थान का ही है। ठीक है, श्वेतांबरों की शाखा है। किसकी शाखा है? श्वेतांबरों। ठीक है, ऑप्शन क्या हमारे? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या जैन धर्म। अभी अगर मैंने श्वेतांबर बता ही दिया आपको तो हमारा सही कौन सा? जैन धर्म। तो राजस्थान में जो 13 पंथी संप्रदाय है वो किन से संबंधित है? हमारे जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के अंदर किस शाखा से संबंधित है? तो हमारे श्वेतांबरों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी दादू पंत की शाखा नहीं है? अभी हम दादू पंत की शाखा पढ़ गए थे, 5 शाखाएं थी उनकी। ठीक है, एक की तो स्थापना किसने की थी वो भी हमने पढ़ा था, किसने की थी? सुंदरदास जी, तो बड़े थे, जिनका रियल नाम क्या था? भीमराज जी, बीकानेर के राजा कल्याणमल के क्या थे? भाई। ठीक है, उन्होंने किस शाखा की स्थापना की थी? नागा शाखा की स्थापना की थी। ये अपने पास क्या रखा करते थे? हथियार रखा करते थे। इनका जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? काटड़ा दोसा। ठीक है, और सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह ने इनको क्या किया था? मराठों के आक्रमण के समय इनको अपने जयपुर की सेना के अंदर क्या किया था? शामिल किया था। और उसका जो नतीजा निकला था वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? खालसा, कोड़ो, नागो, विरक्त, हमने पढ़ा था खालसा है, नागा है, विरक्त है, कोड़ो नाम की हमारे दादू पंथ के अंदर कोई भी शाखा नहीं है। ठीक है, तो इसका अंदर अपने गलत कौन सा हो गया? सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ये किताब का नाम पूछा है, किताब का नाम है मंत्र राज प्रकाश, और किस संत के आध्यात्मिक विचारों का जो संकलन है ये हमें पूछा। हमारे संत है जो, हमारे ऑप्शन क्या है? संत दादूदयाल, संत हरिदास, संत लालगिरी या संत हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी वैसे दो हुए थे संत, संत हरिदास जी थे जिनका रियल नाम था हरि सिंह सांखला। रियल नाम क्या था उनका? इनका रियल नाम था हरि सिंह सांखला। पहले डाकू थे और बाद में क्या मिल गए? बाद में बन गए सन्यासी। इनका रियल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। पहले क्या थे? डाकू, और डाकू के बाद ये क्या बन गए? अपने सन्यासी। इनकी दो किताबें थी, इनकी दो किताबें थी, एक तो हमने अभी पढ़ी मंत्र राज प्रकाश, और एक और थी हरि पुरुष की वाणी। क्या है? हरि पुरुष की वाणी। दो किताबें थी इनकी, एक तो मंत्र राज प्रकाश और एक क्या थी? हरि पुरुष की वाणी। किस हरिदास जी का पूरा नाम क्या था आपने? हरि सिंह जी सांखला, जो पहले क्या थे? डाकू, और बाद में क्या सन्यासी। अगला प्रश्न क्या है? मीराबाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। मीराबाई का जन्म 1498 अजमेर जिले में हुआ था। मीरा के बचपन का नाम पेमल था। इनका विवाह मेवाड़ के भोजराज के साथ हुआ था। सत्याभामा जी ने रूसनो गीत गोविंद की टीका मीरा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है, रचना है। बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। इनका विवाह मेवाड़ के भोजराज के साथ हुआ था, ये भी हमारा सही है। मीरा के बचपन का नाम पेमल था, ये भी हमारा सही है। और मीराबाई का जन्म 1498 अजमेर जिले में हुआ था, अजमेर में नहीं हुआ था, कुड़की पाली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़की पाली के अंदर हुआ था। और अभी जो कुड़की ये अपने ब्यावर के अंदर है, अभी जो अपने कुड़की कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। बाकी मीराबाई के बारे में हम जानते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। माता का नाम वीर सिंह। और सांगा का जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंदर रतन सिंह उस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी जो पालन पोषण है वो इनके दादा ने किया था, और उनका नाम क्या था? दूदा जी। पालन पोषण मीरा जी का किसने किया था? दूदा जी ने किया था। और भगवान कृष्ण को इन्होंने पति मानकर पूजा की थी, सगुण रूप में पूजा किया करती थी। भगवान कृष्ण किस रूप में पूजा करती थी? सगुण रूप में पूजा करती थी। ठीक है, और हमने किताबें पढ़ी थी इनके द्वारा लिखी हुई, एक नरसिंह जीरो मायरो, सत्य भमानो रूसनो, रुक्मणी मंगल। ठीक है, और एक और लिखी थी गीत गोविंद, और सगुण रूप में भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। रणछोड़दास का जो मंदिर है, ठीक है, वहां पर ऐसा बोला जाता है कि जो मीरा जी थे उस मूर्ति के अंदर अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने इनको अपनी सत्याग्रही महिला कहा था। किसको कहा था? मीराबाई जी। ठीक है, इनके गुरु थे, उनका नाम क्या था ये ध्यान रखना आपको। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास जी। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने?
बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन है, गलियाकोट बांसवाड़ा बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। गलियाकोट बांसवाड़ा के अंदर नहीं है, कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। देखो भाई साहब, सवाल ऐसे कैसे भी आ सकते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो गलियाकोट अपना कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। जो बोहरा संप्रदाय के जो आराध्य पीर अपने कौन से? फखरुद्दीन है, गलियाकोट के अंदर है। और गलियाकोट अपना कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। अगला है कि असुमेली युग में हमें बताना है, गवरीबाई बीकानेर, ताज बेगम कोटा, भूरीबाई अलक उदयपुर, राणाबाई नागौर। इसके अंदर तो अपने गलत पूछा है, वो अपना है भूरीबाई अलक उदयपुर, हम अभी बढ़ के आए थे, सही है। राणाबाई का जो अपना है वो है अरनावा। कौन सा है? अरनावा कहाँ पर पड़ता है अपना? अरनावा अपना कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। और हम राणाबाई के बारे में क्या पढ़ते हैं? राणाबाई के और पढ़ते हैं कि हम जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, वहां पर एक जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह। सरबुलंद खान और अभय सिंह के बीच में अहमदाबाद का जो युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर राणाबाई ने अभय सिंह की क्या की थी? सहायता की थी। और राणाबाई ने जो हमारे, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है, और जो इनका जन्म था वो अपना कहाँ पर हुआ था? यहाँ के अंदर है। उनका कौन सा है? अरनावा नागौर। भूरीबाई अलग अपने जयपुर अभी पड़ गए हैं, ताज बैंक कोटा बिल्कुल सही है। गवरीबाई है जो अपने बीकानेर के नहीं, गवरीबाई अपने वागड़ के, कहाँ कहते? वागड़ के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण का जो अपने राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ, निम्न में से कौन सा असुमिलित युग में, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, नहर के हजरत शक्करपीर जयपुर, फिर फखरुद्दीन डूंगरपुर, या काजी हमीदुद्दीन नागौर? काजी हमीदुद्दीन की हमने एक पिछली क्लास के अंदर बात की थी, इनकी एक दरगाह नागौर के अंदर है, ये हमारी सही है। एक और इनकी दरगाह थी, किस किले के अंदर पढ़ा था हमने? किस किले के अंदर पढ़ा था? गागरो। अच्छा, वहां पर इनके नाम से दरगाह नहीं है, उनकी एक अलग नाम से मतलब बोला जाता है उनको, तो वो है मिठे साहब की दरगाह। कौन से? मिठे साहब की दरगाह। वो हमारे कौन है? संत हमीदुद्दीन की। ठीक है, पीर फखरुद्दीन डूंगरपुर गलियाकोट अभी पढ़ के आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे अजमेर के अंदर, हम पढ़ते हैं नरहड़ के हजरत शक्कर पीर, ये जयपुर के नहीं है, ये अपने झुंझुनू के, कहाँ के? झुंझुनू के। इनको बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। एक तो वागड़, वागड़ जो अपना दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, बांगड़ है जो अपने शेखावटी के पास का हो गया, तो इनको क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी। इनका एक और दूसरा नाम भी है, नरहड़ पीर। क्या नाम है? नरहड़ पीर। इनका मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कब लगता है नरहड़ पीर का अपना मेला? कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, बांगड़ का धनी कहा जाता है, दूसरा नाम इनका नरहड़ पीर है, और जो इनका मेला है वो अपने कहां कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित करना है, निम्बारक संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, बैराग संप्रदाय। परनामी संप्रदाय तो हम पढ़ गए हैं, तो हमें कहाँ, हमने कहाँ पर पढ़ा था परनामी संप्रदाय को? हमारे पढ़ा था पन्ना और जयपुर, पन्ना एमपी के अंदर, और जयपुर का जो अपना आदर्श नंबर आदर्श नगर है वो। ठीक है, हम पढ़ देंगे वापस निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक जो संप्रदाय है ना, ये है सलीमाबाद अजमेर के अंदर। अच्छा, निम्बारक संप्रदाय की अपने यहाँ पर अजमेर के अंदर स्थापना किसने करवाई थी? परशुराम जी ने करवाई थी। परशुराम जी कहाँ के थे? परशुराम जी थे खंडेला के। यहाँ इसकी स्थापना किसने करवाई थी? परशुराम जी ने। निम्बारक संप्रदाय से आपको हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पर जो राधा जी की पूजा है वो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में की जाती है। कौन से संप्रदाय के लोग हैं जो राधा जी की पूजा भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में करते हैं? निम्बारक संप्रदाय के जो लोग हैं वो करते हैं। ठीक है, और स्थापना किसने की थी? परशुराम जी ने की थी। और परशुराम जी खुद कहाँ के थे? सलीमाबाद अजमेर के अंदर करवाई थी इनकी स्थापना, और जो खुद थे वो थे खंडेला के। ठीक है, परनामी संप्रदाय पन्ना और जयपुर के अंदर है, अलखिया संप्रदाय हमारे सुलखानिया शुरू हुए अंदर है, सुलखानिया है ना, सुखानिया नहीं, सुलखानिया। ठीक है, और अपना जो बैराग पंथ है ये राताडूंगा पुष्कर के अंदर है। ठीक है, हो गया, मिला देना आप। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से छत्रपाल का संबंध राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ठीक है, किसका पूछा है? छत्रपाल का संबंध पूछा है, और राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऑप्शन हमारे क्या है? गांव के मुखिया के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, गांव के एक संत के रूप में, गांव के देवता देवता के रूप में। यहाँ आप क्षेत्रपाल बोलो, यहाँ पर अगर पश्चिमी राजस्थान के कोई आदमी है वो समझेंगे क्षेत्रपाल। क्या है वो? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जो हुआ करते हैं गांवों के अंदर, मैं पश्चिमी राजस्थान का हूँ तो मैं वहां की थोड़ी सी चीजें ज्यादा जानता हूँ। जो क्षेत्रपाल होते हैं उनको गांवों के रक्षक बोला जाता है। गांव का जो मुख्य रक्षक होता है वो हमारे कौन होते हैं? क्षेत्रपाल होता है। पूरा गांव इनको बड़ा श्रद्धा से पूजता है,
ठीक है, शिव जी के प्रतीक के रूप में इनको कहा जाता है, और जो है ये गांव की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और गांव के प्रमुख देवता होते हैं। तो इसलिए जो क्षेत्रपाल का संबंध है राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ग्राम देवता के रूप में रहा है। किनका रहा है, क्षेत्रपाल का या क्षेत्रपाल का? आपको याद रखना, आरपी सिंह कई बार पूछा ये क्षेत्रपाल वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से देवमाड़ी, जोधपुरी और आसीन स्थल है, निम्न में से किस लोक देवता संबंधित? हम पढ़ गए हैं पीछे, लोक देवता जब पढ़ा था हमने देवनारायण जी को बहुत ढंग से पढ़ा था। आसीन भीलवाड़ा है, ठीक है, पिता का नाम भोज, माता का नाम सेडू था, माघ शुक्ल सप्तमी में इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनका जो फड़ है वो सबसे राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, वहाँ पर गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी क्या है, फड़ की पूजा की जाती है। इनके मंदिर के अंदर ईट मूर्ति नहीं है, ईटें रखी हुई, उनकी पूजा की जाती है। नीम के जो पत्ते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, हमने सब पढ़ा था। तो हमारे जो देवमाली, जोधपुरी या जो आसीन है, वो किससे संबंधित है, हमारे देवनारायण जी से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बाबा रामदेव जी इनका जन्म है जो कहाँ पर हुआ था, रुणीचा जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर, उंडू काश्मीर जैसलमेर या उंडू काश्मीर बाड़मेर? उंडू काश्मीर बाड़मेर, काश्मीर नहीं काश्मीर है, उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर जो बाड़मेर का है वहां पर अपना हुआ था बाबा रामदेव जी का जन्म। पोकरण जो है ये इनके पिता को दी हुई थी, क्या थी, जागीर। किसने दी थी, मल्लीनाथ जी ने दी थी रामदेव जी के पिताजी को पोकरण की जागीर, ठीक है। रुणीचा के अंदर अपने रुणीचा जैसलमेर के अंदर इनका प्रमुख अभी मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और उंडू काश्मीर जैसलमेर के अंदर तो है भी नहीं, ये तो अपना ऑप्शन भी गलत हो गया। बाकी रामदेव जी के बारे में जानते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी, ठीक है, और माता जी का नाम था मैणा दे और पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे, ठीक है। और रुणीचा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, इनके मंदिर के अंदर पगलियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इनकी जो ध्वजा है उनको हम क्या कहते हैं, नेजा, और इनकी जो इनकी जो आराध्य के अंदर रात को जो जागरण की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, नेजा, अपने जम्मा। इनके जो मेघवाड़ भक्त है उनको हम क्या बोलते हैं, रिखिया। इन्होंने किताब लिखी थी, उनका नाम क्या था, 24 बाणियाँ। इन्होंने पोकरण नामक क्षेत्र के अंदर भैरव नामक साहूकार का क्या किया था, दमन किया था, ठीक है। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, अपने किताब लिखी थी 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने कौन सी किताब लिखी थी, 24 बाणियाँ। इनको पीरों का पीर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी बहन थी डालीबाई, जिन्होंने एक दिन पहले इनसे क्या ली थी, समाधि ली थी, कहाँ पर ली थी, अपने रुणीचा जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के बारे में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलियाँ है, अभी हमने पढ़ा था कि मंदिर के अंदर पगलियों की क्या पूजा की जाती है। तीसरा, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है वो बीज कहलाता है, नहीं बीज नहीं कहलाता, जम्मा कहलाता है। पहली बात, तो जागरण और जो जम्मा है दोनों अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, जागरण कह ही नहीं सकते, ठीक है। और रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा है वो क्या कहलाती है, अपनी नेजा, ठीक है। तो रामदेव जी को जो आराधना के अंदर जो की जाती है, स्तुतियां की जाती है रात को, वो क्या है, अपना जम्मा कहलाता है। जागरण विस्तृत थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट है, और जम्मा है जो थोड़ा सा छोटा सा, ये मान के चलना आप। तो ये पढ़ लिया अपने रामदेव जी के बारे में, वैसे ही पूरे पढ़ लिया। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद रंग का ध्वज पहराते हैं, बिल्कुल पहराते हैं, सही है हमारा। जहरीले कीड़ों के काटने पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल तल्लीनाथ जी की हमारी पूजा की जाती है। गोगादेव राठौर, पांचोटा गांव जालौर में हड़बू जी का मंदिर स्थित है, नहीं, पांचोटा जालौर के अंदर हमारे इनका है, गोगादेव जी राठौर का, हड़बू जी का है जो हमारे बुंडेल नागौर के अंदर है। कहां पर है, बुंडेल नागौर, ठीक है। और भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता है, बिल्कुल है हमारे भूरिया बाबा जी, ये जो मीणा समुदाय के क्या है, लोक देवता। तो इसके अंदर अपना गलत कौन सा हो गया, क्या पूछा है, सही नहीं है, तो अपना ये तीसरा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन लोक देवता के बारे में सही नहीं है? बापणी गांव जोधपुर में मेहाजी का संबंध है, बिल्कुल है, मेहाजी मांगड़िया का कौन सा है, बापणी गांव। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था, किरड काबरा, कौन सा था, किरड काबरा। बीकानेर जिले में रोड़ी गांव तल्लीनाथ जी से संबंधित है, नहीं, तल्लीनाथ जी से हम तो अभी बढ़ गए थे जस्ट, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी का अपना कौन सा था, पांचोटा जालौर। मामा देव को बरसात का देवता कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। पीर फता जी का जन्म जालौर जिलों के साथु गांव में हुआ था, साठू गांव में हुआ था, ये भी सही है अपना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये अपना गलत है। तो बीकानेर में तल्लीनाथ जी का रियल नाम क्या था, गोगा दे राठौर, रियल नाम क्या था इनका, गोगा देव राठौर। ये मारवाड़ के राजा चुंडा के तो भाई थे, और इनको शेरगढ़ की जागीर दी हुई थी, शेरगढ़ के सामंत थे ये,
कहाँ के थे? शेरगढ़ के सामंत। अपने जो गोगा देव राठौड़ थे वो कहाँ के? तलीनाथ जी कहाँ के थे? शेरगढ़ के सामंत। इनके गुरु का नाम क्या था? जलंधर नाथ। नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे ये। गुरु का नाम क्या था अपने? जलंधर नाथ। कहाँ के सामंत थे? शेरगढ़ के। किस शासक के भाई थे? मैं मारवाड़ के राजा चूंडा के भाई थे। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने कहाँ है? अपने पांचोटा जालौर के अंदर। अच्छा, इनको तोरण का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरण का देवता। किसको कहा जाता है? कलीनाथ जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्न संयोजनों का मिलान करना है। लोक देवता दे रखे हैं और उनके जो प्रसिद्ध वाहन है वो दे रखे हैं। बाबू जी हम पूरी दुनिया जग जाहिर है, ठीक है, केसर काड़मी देवल चारणी की, और जो गोगा जी की है वो हमारी नीली घोड़ी थी, और तेजा जी की लीलन, ठीक है, और जो अपनी रामदेव जी का वो कौन सा था? लीलो। ठीक है, लीले घोड़े रासवार। ठीक है, तो अपने रामदेव जी का कौन सा था? लीला। बाबू जी का केसर काल में, गोगा जी की नीली घोड़ी, और तेजा जी की हमारी लीलन। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन रामदेव जी के बारे में सही नहीं है? ठीक है, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में ऊंडू काश्मीर में हुआ था। हम बापी बढ़ गए हैं। रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन थे, बिल्कुल थे, इसमें भी कोई दोराई की बात नहीं। मलिनाथ जी ने इनके पिता को पोकरण की जागीर दी थी, और बाद में पोकरण को है इन्होंने किसके? अपनी बहन के दहेज के अंदर दे दिया था। चौबीस वाणिया का संबंध रामदेव जी से, बिल्कुल, चौबीस वाणिया एक किताब है जिसको किसने लिखा? हमारे पीरों के पीर श्री रामदेव ने। रामदेव जी ने उदरिया पंथ की स्थापना की थी? नहीं, उदरिया पंथ नहीं था, कांबड़ पंथ था। कौन सा पंथ था? कांबड़ पंथ था। और इनके द्वारा एक नृत्य भी किया जाता है, तेरा ताली नृत्य, ठीक है, जिसके अंदर 13 मजीरे होते हैं, 9 होते हैं दाई पाँव के अंदर, ठीक है, 2 अपने हाथ की कोहनी से ऊपर, और एक एक है जो दोनों हाथों के अंदर होता है। तो इन्होंने उदरिया पंथ की नहीं की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कांबड़ पंथ की थी। जो कौन सा नृत्य करते? 13 ताली नृत्य। अच्छा, अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? हम अभी बढ़ गए थे, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। मुख्य केंद्र उनका कौन सा था? कतरिया सर बीकानेर। अग्नि नृत्य करते करते वो क्या बोलते हैं? कुछ आवाज निकालते हैं, फतेह फतेह की आवाज बोलते हैं। ठीक है, गोगा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म चूरू में हुआ था, बिल्कुल, चूरू के अंदर हमारे एक पड़ता है ददरेवा, वहां पर इनका हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का माता का नाम बाछल देव था, बिल्कुल था, सही था। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष गोगा मेले में भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है? नहीं, भाद्रपद शुक्ल को नहीं भरता, कृष्ण को भरता है, भाद्रपद कृष्ण को भरता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। हमारा तो मारवाड़ के अंदर कहानियां चलती है, जट जट खेजड़ी वट वटे गोगो वट वटे गोगो। तो अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी नवमी को है जो अपने किसकी मेला भरता है? गोगा देव जी का। तो अपना असत्य है वो कौन सा है? सी। चलो, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है, नीचे दिए गए कूट में से सही सुनना है। ठीक है, बड़ली माता, सचियाई माता, नागणे जी माता, जमवाई माता। बड़ली माता हमारे कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, सचियाई माता हमारे कहाँ है? जोधपुर ओसिया के अंदर है, जो ओस वालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की कुलदेवी है। ठीक है, नागणी ची माता, बिल्कुल, बाड़मेर नागणा, ये हमारे राठौड़ों की कुलदेवी है। नागणी ची माता किसकी है? राठौड़ों की कुलदेवी है, जिसके अगर हम पढ़ते हैं कि धूड़ है जो उनकी मूर्ति कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से। जमवाई माता है वो हमारे जयपुर के अंदर है, जो अपने किसकी? कछुआओं की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, जिलानी माता दौसा क्षेत्र की लोक देवी है। नहीं, पहले ही गलत हो गया यहाँ पर, यही गलत है, आगे चल रहे थे। सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा है। ठीक है, रेवासा सीकर। महोदरी माता का मंदिर जालौर में स्थित है, बिल्कुल है। महोदरी माता का मंदिर कहाँ है ये आपको याद रखना है। महोदरी माता का मंदिर है जो कहाँ पर है ना? जालौर के अंदर है। कहाँ पर है महोदरी माता का मंदिर अपने? जालौर के अंदर। और राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का जो गीत है वो गीत है जो सबसे लंबा। अच्छा, राजस्थान की, राजस्थान का जो लोक साहित्य है उसके अंदर जो अपने सुगाली माता का गीत है वो सबसे लंबा है। ठीक है, और अपने क्या है? जिलानी माता दौसा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जिलानी माता है जो अपने अलवर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और जिलानी माता जो थे गुर्जर अपने जाति से संप्रदाय से संबंधित है, उन जाति गुर्जर जाति से संबंधित है, उनके कुल के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब मुगलों के द्वारा यहाँ के जो क्षत्रिय हिंदू थे उनको धर्म उनका परिवर्तन करवाया जा रहा था मजबूरन। ठीक है, तो एक समय क्या था कि 30-35 यहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ को उनको उठाकर सैनिक लेके जा रहे थे। बीच के अंदर जो अपने जिलानी माता होते हैं वो उनको मिल जाते हैं, तो उनकी जो है जिलानी माता ने उनकी क्या की थी? रक्षा की थी, और जो लोग जो सैनिक थे उनको उनका क्या किया था? सामना किया था। अगला प्रश्न क्या है? लोक देवी करणी माता से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, करणी माता का जन्म सुआब गांव बीकानेर में हुआ था। गांव तो सुआब ही था साहब, लेकिन बीकानेर नहीं था, तो क्या था? जोधपुर था। क्या था?
जोधपुर था। सुआब गांव कहाँ पड़ता है अपने? जोधपुर के अंदर। सुआब गांव जोधपुर के अंदर किसका जन्म होता है? हमारे करणी माता का जन्म होता है। करणी माता को चूहों वाली देवी के उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। इनके मंदिर को अपना क्या मंदिर है जो उनको क्या कहते हैं? चूहों का मंदिर। चूहों का मंदिर। अच्छा, इनके आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी? बिल्कुल की थी। जोधा जी के बेटे थे बीका जी। और वैसे जो जोधा जी ने नाहरगढ़ की जो अपने मेहरानगढ़ की जो नींव रखी थी, मेहरानगढ़ किले की, जोधपुर किले की, उसकी नींव माता करणी जी के हाथों से रखवाई थी। और उन्हीं के बेटे बीका जो है बीकानेर की स्थापना की थी माता करणी के आशीर्वाद से। इनको एक तो चूहों का मंदिर कहा जाता है। अच्छा, मंदिर है कहाँ पर इनका? देशनोक के अंदर। जन्म कहाँ पर हुआ था? सुआब गांव के अंदर हुआ था। सुआब गांव कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और जो इनका मंदिर है वो हमारे कहाँ है? देशनोक के अंदर है। चूहों का मंदिर है। और चूहों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? काबा। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूहों के है जो दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद जो चूहे हैं इस मंदिर के अंदर है उसके अगर दर्शन आपको मिले हो जाए तो उसको हम क्या मानते हैं? बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ठीक है, इनकी जो अपनी प्रतीक रूप है वो है सवली। आप अगर देशनोक जाएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर उड़ती हुई जरूर आपको दर्शन हो जाएंगे। सवली है, चील है, वो आपको उड़ती हुई दिख जाएगी। वो हमारे माता करणी का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, ये खुद अपने तेमड़े राय माता जी की पूजा करा करते थे। करणी माता जी तेमड़े राय जो अपने अवड़ माता का स्वरूप है। ठीक है, और नेहड़ी जी का मंदिर भी वहीं स्थित है जहाँ पर अपने करणी माता जी रहते थे। इनको दाढ़ी वाली डोगरी भी कहा जाता है। और चारण जाति कुल के अंदर इनका जो है, चारण कुल के अंदर इनका क्या हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन राजस्थान की लोक देवी आई माता के संबंध में सही नहीं है? आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल सही है। आई माता ओसवाल समुदाय की कुलदेवी है? नहीं, ओसवाल की वैसे हमें पढ़ गए थे अभी, आपको याद होना चाहिए। ओसवाल समुदाय की कुलदेवी कौन सी थी? सची आई माता थी। कौन सी थी? सची आई माता थी। और इनका मंदिर कहाँ था? इनका मंदिर हमने पढ़ा था ओसिया। कहाँ पर पढ़ा था इनका मंदिर? ओसिया पढ़ा था। और आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई था? बिल्कुल था। और तो इनकी ये किसकी कुलदेवी? आई माता ये सीरवी समुदाय की कुलदेवी। किसकी? सीरवी समुदाय। सीरवी समुदाय की क्या है? कुलदेवी। अच्छा, ये अपने जो बाबा पीरों के पीर रामदेव जी है उनके शिष्य थे आई माता जी। ठीक है, और इनके जो मंदिर है उनको छोटे मंदिर है उनको बडेर कहा जाता है। मुख्य मंदिर को क्या जाता है? बडेर। और जो बाकी मंदिर है उनको क्या कहा जाता है? दरगाह। अच्छा, इनके मंदिर इनके दीपक के जो ज्योति है इनके बारे में ये बोला जाता है, दीपक की जो ज्योति है कि दीपक की ज्योति से केसर टपकती। क्या टपकती? केसर टपकती। तो किससे संबंधित कहा हुआ? हमारे आई माता संबंधित। मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और किसकी कुलदेवी है हमारे? ये हमारे सीरवी समुदाय की कुलदेवी। अच्छा, ओसियाल जो अपने ओसवाल समुदाय पड़ा है ओसवालों की कुलदेवी कौन है? सची आई माता। इनका मंदिर कहाँ पर है अपने? ओसिया जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न को सम्मिलित करना है। भाई अपने माता लोक देवियों के नाम दे रखे हैं और आगे जगहों के नाम दे रखे हैं। स्वांगीय माता, नारायणी माता, रानी सती और करणी माता। स्वांगीय माता है ये हमारे जालौर जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। और स्वांगीय माता जो अपने भाटियों की क्या है? भाटियों की कुलदेवी है। भगवती रूप आवड़ का ये जो थे अपने क्या थे? रूप थे। नारायणी माता है ये अपने अलवर के अंदर है। ये नाई जाति की कुलदेवी, नाई समाज की। नाई समाज की क्या है? कुलदेवी। रानी सती जी जो थे हमारे ये झुंझुनू के थे। ठीक है, और इनको दादी सती भी कहा जाता है। रानी सती को क्या कहा जाता है? दादी सती भी कहा जाता है। और इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास अग्रवाल। और जो करणी माता अभी हम पढ़ गए, इनका मंदिर हमारे बीकानेर के अंदर देशनोक नाम की जगह है, वहां पर इनका हमारा मंदिर है। अच्छा, इनमें से किस लोक देवी को रुमाल वाली देवी, थार की देवी तथा सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या क्या है? रुमाल वाली देवी या रुमाल की देवी, थार की देवी तथा सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या है? आवड़ माता, ज्वाला माता, तेमड़ा माता है, तनोट माता। तनोट माता है, इनको हमारे क्या कहा जाता है? एक तो आपने पढ़ा वो, एक कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी। क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या हो गया था? 1962 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडो पाक जो वॉर हुआ था 1962 के अंदर, उसके अंदर जब वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी ने जो बम फेंके थे वो बम जो थे अपने तनोट माता के मंदिर के अंदर गिर गए थे। ठीक है, बाकी वाले जो मंदिर बम जितने फेंके थे वो सारे फूट गए थे, लेकिन मंदिर और मंदिर के आस मंदिर के अंदर जो बम थे वो और आसपास के जो बम वहाँ फेंके गए वो बिल्कुल नहीं फूटे। और वो बम आज भी वहाँ सुरक्षित है, आप कभी भी जाके दर्शन करके आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या की थी? सैनिकों की हमारी यहाँ पर रक्षा की थी।
और सैनिकों की रक्षा की थी, तो सैनिकों का जो है इनके प्रति जो आस्था थी, श्रद्धा थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, रुमाल वाली देवी कहते हैं, थार की देवी कहते हैं, सैनिकों की देवी कहते हैं, और इनके अपन थार की वैष्णो देवी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से शीतला माता को सुबह ठंडे पकवानों का जो भोग लगाकर पूजा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उनको तो ऑप्शन में क्या है हमारे, ठंडा पकवान, बासी भोजन, बासी उड़ा या खीपड़ा, उनको हम कहते हैं बासी उड़ा। क्या कहा जाता है? बासी उड़ा। और जो शीतला माता का हमारा मंदिर है, वो हमारा है चाकसू के अंदर। कहाँ का चाकसू, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको याद रखना है, इनका जो वाहन है वो हमारा क्या है? गधा। ठीक है, अपने और जो उनको शीतला माता को सुबह ठंडे पकवानों को जो भोग लगाकर पूजा की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बासी उड़ा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है अपना, गोठ मांगलोद का संबंध निम्न में से किस राजस्थान की लोक देवी से है? कौन सी जगह पूछी है हमें, गोठ मांगलोद नामक जगह पूछी है, और लोक देवी किससे संबंधित है वो पूछा है। ऑप्शन है करणी माता, बाण माता, महुद्री माता या दधीमती माता। दधीमती माता से हमारा गोठ मांगलोद जो मंदिर है, गोठ मांगलोद जो जगह है, दधी माता से संबंधित है। दधी माता जो दधीचि ब्राह्मणों की कुलदेवी, किसकी कुलदेवी है? दधीचि ब्राह्मणों की कुलदेवी। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है गोठ मांगलोद, अपने दधी माता जी का एक मंदिर बना हुआ है, तो किस शैली के अंदर है? गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। किस शैली के अंदर है? गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार शैली के और कौन कौन से मंदिर पढ़े थे हमने? एक खेड़ का रणछोड़दास पढ़ा था, एक आहुआ का कामेश्वर मंदिर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी आप सबको याद रखने, आज का अपना डे हो गया। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और अपन मिलेंगे वापस अगले दिन के अंदर। शुभ रात्रि।